हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा। और अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और मैं रात में क्या क्या काम करती हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। अभी मैंने ये देखे बेड झाड़ कर तैयार कर लिया है, अभी मैं सिरदानी लगाऊंगी। और मैंने शाम में कपड़े लाए थे, फोल्ड नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे, कल करूँगी। और मैंने बेड पे और ये गद्दे इसलिए इस पर बिछा दिया कि वासु को मालिश करती हूँ रात में सोने में, क्योंकि ऊपर नीचे करता थक जाता है, इतना घूमता तो चादर जल्दी गंदा नहीं होगी, तेल लग जाते। तो ये मैंने गेंदे यहाँ बिछा दिया है। और वो अभी वासु का बोतल साफ़ कर रही हूँ, उसको बोतल रात में वो सोए सोए दूध पीता है जब उसको भूख लगता है तो उठ के, तो इसलिए उसके लिए एक बोतल दूध रख लेती हूँ, पैर में एक बोतल में पानी रख लेती हूँ। और मैंने किचन भी साफ कर लिया, ये देखिए मैंने किचन साफ कर लिया, बर्तन वर्तन सब धो लिए। और मैं यहाँ पानी गर्म कर रही हूँ बोतल साफ करने के लिए, पानी गर्म हो चुका है क्योंकि बोतल को तो गर्म पानी में ही धोना चाहिए बच्चे को, इसलिए मैंने पानी गर्म कर लिया। अभी दोनों बोतल में डाल दूँगी, सब बोतल साफ करूँगी, दूध भरूँगी, वहाँ से खाना खिलाऊँगी, और जो उसे फीवर है तो दवा दूँगी, उसके बाद उसको मालिश कराऊँगी, मच्छरदान लगाऊँगी, तब जाके सोऊँगी। इतने खा यानी कि अभी सर अभी बज रहे हैं 10:30, और 11.5 घंटा का काम है मेरे पास अभी भी। मैं रात में भी इतना सारा काम रहता है, तो आप लोग देख रहे हैं मैं बोतल कैसे साफ करती हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ पानी बोतल में गर्म, क्योंकि गर्म पानी से कीटाणु जो साइड रूल में दूध अगर फट जाता है या फिर क्रीम की वजह से जम जाता है तो गर्म पानी से निकल जाता है। पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस गर्म हो गया तो मैं इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला रही हूँ। और डाल रही हूँ मैं ये सरफ, और मैं ढक्कन लगा के ऐसा साफ करता रहता, ये देखो। और आप लोग कहोगे क्या क्या, अब ये है वासु को बोतल साफ करना, क्योंकि बच्चे का बोतल भी ना अच्छे से साफ होना चाहिए, क्योंकि सिरा का वो दूध पीता है और गंदगी रह जाएगी तो पेट पे असर करेगा उसको पाचन में, तो वॉमिटिंग वॉमिटिंग होने लगेगा अगर दूध सही नहीं रहेगा तो। इसलिए मैं जब शुरू में जागती हूँ तो अगर वो दूध नहीं पीता है तो मैं खोल कर ढक्कन चेक करती हूँ कि दूध सही है या नहीं, या क्योंकि कभी कभी ऐसा ध्यान नहीं दीजिए तो दूध वो गर्मी के कारण फट जाता है और बच्चे फिर वही फटे हुए दूध पी लेते हैं, इसलिए चेक करना चाहिए। और सिर्फ दूध नहीं, रात में बच्चे को पानी भी देना चाहिए क्योंकि प्यास भी लगता है, हम लोगों को नींद खुल जाता है प्यास से, तो वो तो बच्चे हैं, बच्चे को भी तो प्यास लगती है ना, तो इसलिए मैं एक बोतल रखी उसमें उसको सिर्फ पानी, उसमें दूध वूध नहीं भरती, पानी भर के देती हूँ उसमें। अब तो गर्मी आ गई, अब दूध भी बोतल में नहीं रखती हूँ, गिलास में भर के टेबल पर ढक के रख देती हूँ, रखूंगी क्योंकि बोतल वाला दूध गर्मी से फट जाए। तवा का पानी गर्म गर्म पानी रहता है वो मैं जो किचन का कपड़ा साफ करती हूँ उसको धो लेती हूँ, क्योंकि एक तो पानी खौला हुआ ऊपर से सड़क वाला कपड़े भी अच्छे से साफ हो जाते हैं, वो तो मेरा नीड रखती है। वासु को दवा भी देना और वो वासु को लास्ट में खिलाऊंगी क्योंकि उसे 9 बजे खिलाई थी, क्योंकि हमें 2 घंटे का एक्चुअली गैप रहना चाहिए ना, अभी नहीं 11 बजे लास्ट में उसको खाना खिलाऊंगी, सब कुछ हो जाएगा ना। और ये देखिए मैंने बोतल साफ कर दिया वासु का, और मैं इसमें भर लेती हूँ दूध,
मैंने दूध शाम में गर्म कर लिया था क्योंकि ज़्यादा गर्म दूध डालने से फट जाता है क्योंकि ढक्कन बंद रहता है ना इसलिए। और मैं इसमें दूध डाल रही और मैंने दूध भर लिया। मैंने एक बोतल में पानी एक बोतल में दूध दोनों भर लिया और मैं इसे रख देती हूँ बेड पे। मैंने बेड झाड़ लिया अभी इसे हेडबोर्ड के ऊपर रख दिया और मैं मच्छरदानी लगाऊंगी थोड़ी देर में। पहले से कंबल को बेड पे रख देती हूँ। कपड़े भी कल फोल्ड करने पड़ेंगे कितने सारे। कल मैंने बहुत कपड़े धोए अभी इनका कपड़ा तो धोया नहीं जो फिर पहन के जाते हैं। उसके गुरुवार था तो गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोते तो दूसरे दिन बहुत कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। तो मैंने आज तो धो दिया सुबह में और बस गया है इनका कपड़ा तो कल धोऊंगी क्योंकि फिर संडे को सूख जाएगा तो प्रेस भी तो करना रहता है। मैं धो के सारा सट प्रेस करके रख देती हूँ तो एक सप्ताह इनका चल जाता है कपड़ा। सारे कपड़े हो जाते हैं संडे सारे सब 3-4 सट धो देती हूँ। 4 सट आयरन कर देती हूँ प्रेस कर देती हूँ और जींस वींस या पैंट आयरन कर देती हूँ तो इनको एक सप्ताह चल जाता है। 1 वीक के लिए मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। फिर उसके बाद धोती हूँ आता है संडे या सैटरडे तो धोए जाती हूँ। फिर एक दिन बैठ के आयरन कर देती हूँ। उधर वासु रो रहा है। वासु हो गया बदमाश मोबाइल फेंक देता है। जाती हूँ देखती हूँ क्या हुआ। और वासु को डांट पड़ा है तो रो रहा था वो कहता है कि मैं जाई घर छोड़ के मैं जाई। कौन डांटा वासु मैं जाई बेटा क्या हुआ पापा डांटे मोबाइल नहीं थकना चाहिए ना टूट जाएगा ना क्या लो तो क्या लोगे कुछ नहीं लोगे क्या लोगे बैठो मैं खाना खिला देती फिर दही खिला दूँगी। फीवर आ रहा है ना अपल का क्या एप्पल का वासु एप्पल बॉल कहाँ है बॉल वासु एप्पल कहाँ है एप्पल एप्पल कहाँ है एप्पल एप्पल कहाँ अभी कुछ नहीं बोले। और नाइट में मैं फेस वॉश करके सोती हूँ। दिन भर का डस्ट पॉल्यूशन होता है ना फिर बस फेस धो के थोड़ा सा कोई तेल लगा लेती हूँ जो तो कड़वा तेल नहीं लगाती सरसों का तेल नारियल तेल लगा लेती जैसे मैं आप ही लगाऊंगी ये देख जी मैम मैं मोबाइल में देख रही हूँ मीटर में देखना तो मोबाइल में देख रही हूँ। और मेरा तो हो गया मैंने ऑयल लगा लिया ये देखिए मेरी ऑयली इसकी और मेरे घर पे ये और ये ओरिजिनल तेल है बाकी सब स्पॉट्स है। ये भी तेल ये सब स्पॉट्स है मेरे चेहरे पे ये सब पिंपल की वजह से हो गया। बस दो तेल ओरिजिनल ये और ये
ये सब पीपल से नहीं हो जाता याद आ रही है सब सब पता नहीं जो स्पॉट्स बोलते हैं वो सब मेरे चेहरे पे ज़्यादा दिखेगा स्पॉट्स है। और आप लोग को बोर कर रही हूँ पका रही हूँ तो मैं और वासु बाय बोल देते हैं गुड नाइट वासु बाय कर दो दूसरा हुआ है ना नहीं बोलेगा ओके बाय गुड नाइट।